टीवी पे लड़कियां बहुत कम आ रही है कॉमेडी में, क्योंकि सबको हीरोइन बनना है। हर चैनल पे दिखती हूँ, लोगों को लगता है ये बहुत बिजी होगी। और पता नहीं लोगों ने क्यों, मैं महंगी नहीं हूँ, लोगों को लगता है ये बहुत महंगी है। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा मॉल में लेटे करके मेरी इंसल्ट हो। लोग इतना डराते जब आप प्रेग्नेंट हो जाओ, आपको लगता है आपने गलती कर ली। मैं फिर माँ बनना चाहती हूँ, मुझे मजा आ रहा है। Double Vita, what women want. Powered by Tirupati Edible Oils on Mirchi Plus. हेलो एंड वेलकम टू डाबर वीटा व्हाट वुमेन वांट ऑन मिर्ची प्लस। आज मेरे शो पर है एक ऐसी गेस्ट जो इंडिया की कॉमेडी क्वीन कहलाती है। हालांकि प्रोफेशन से वो लोगों को हंसाती है, बट डोंट मेस विद हर, क्योंकि शी इज आल्सो अ गोल्ड मेडलिस्ट इन आर्चरी एंड पिस्टल शूटिंग। प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड भारती सिंह। हाय, ये मैं अपने तालियों और अपना शोर साथ में लेके आती हूं। थैंक यू सो मच, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एपिसोड। एक बार फिर गले लगा, क्योंकि मेरे पति ने कहा था कि जब तू करीना कपूर के गले लगे तो आके नहाना नहीं, क्योंकि उसका भी शूट चल रहा है, तो वहां मुझे गले मिलेगा। तो यार मुझे पता कि ये एपिसोड बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, क्योंकि आपने जो सलवारें पहनी है ना, पटियाला सलवारें, जब वी मेट में, मैं पंजाब से अमृतसर से हूँ, मेरे पास इतनी पटियाला सलवारें थी और मैंने अपने भाई की टी शर्ट पहनी है, मैं इतना गीत बनी हूँ इसमें इतना, लेकिन मोटी गीत पहली बार वहां पे थी। बहुत मजा आया, मैं सच में मेरी बकेट लिस्ट में ये थी एक विश कि मैं करीना कपूर से मिलूं और हमारे बीच में कोई भी ना हो, क्योंकि बाकी शोज में जाओ तो और भी आर्टिस्ट होते हैं, तो कम बात हो पाती। अभी ऐसे लग रहा है कि जलंधर लुधियाना से दो सहेलियां आई और ऐसे बैठी, कैसी है आप? I am so happy because I was like excited that Bharti is going to come, so we're going to have lots of fun and वो बहुत बातें करने वाली है, बहुत, I know how you are, that you are also like that real life geet. ना कि बस कुछ ना कुछ, you're always at it. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब geet हूँ लेकिन कुछ मतलब अंदर ही है मेरे funny और कुछ लोगों ने बना दिया। How sweet, but anyway, Bharti आप एक small town से हो and you have made it big in Mumbai. जी, पर you know this, when you enter the glamour world, did you ever think ke kuch funny shocks mile, kya hua tha? Because you know you are not used to being in this glamorous. Bilkul bilkul, main jab Amritsar se aayi to humko tha ki gown hota hai, maxi hoti, lekin usme cut itna bada hota hai, wo shayad kya jaldbazi mein wo le aayi heroine. Maine idhar aake jab main jis show ki contestant thi, wahan ki host thi परिजात कोला लाफ्टर चैनल में, वो जब आई उन्होंने इतनी स्लिट, मैंने बोला कि गलती से आ गई, मैं अपना सारा कंटेंट भूल गई, मैं सिर्फ उसकी टांग देखी जाऊं करीना, मुझे लगा बेचारी का निकल गया क्या, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा मतलब भोंदू कहूंगी अपने आप को कि कुछ पता ही नहीं था। बाद में पता चला कि फिर मैंने जब बैक स्टेज देखा कि वो यहाँ पे शिमर भी करवा रही थी, हाँ मुझे लगा कि अच्छा उनको देखना है, मैं कहा ठीक है फिर आज मैं भी पीठ पे यहाँ पे करवा ही लेती हूँ। But you adjusted well. You were excited. मुझे लगा था कि मुझे adjust नहीं होना, मैं जैसी हूँ मैं यहाँ पर आई हूँ लोगों को entertain करने, अमृतसर से बॉम्बे आई हूँ, देखती हूँ कि मुझे मुंबई अपनाती है कि नहीं। But ऐसी warm welcome किया करीना, मुझे आज भी याद है 2008 28 मार्च मेरी लाइफ की पहली फ्लाइट, मैं कभी फ्लाइट में भी नहीं बैठी थी, ऐसे ही करते देखा था। मेरी पहली फ्लाइट में जब मुंबई लैंड कर रही थी अमृतसर से, मुझे ऐसे लगा कि मैं कहीं हॉलीडेज से वापस अपने घर आ रही, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, बस अब तो घर ही जा रहे हैं, तो ऐसा हो रहा था मुझे। और तब से आज 15 साल हो गए, वापस ही नहीं गई। अनबिलीवेबल, पर इंडिया में अभी आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडी बहुत बढ़ गया है, देयर हैव बीन डिफरेंट सॉर्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमेडी, हिंदी इंग्लिश, जी जी जी, हर हर अलग अलग में, यू नो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ क्रेडिट हैज बीन गिवन नाउ टू कॉमेडी, टू कॉमेडियन। जी जी जी, तो आपको क्या लगता है कि कॉम्पिटिशन बढ़ गया, ये अच्छी बात है क्या, लाइक व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ा, जो कॉम्पिटिशन बढ़ा रहे हैं वो ओटीटी पे है। मेरी मम्मी ओटीटी नहीं देखती, आज भी वो मटर छीलते हुए वो लगाती है जी टीवी कलर सोनी, उसका वही है कि अनुपमा का क्या हुआ, उसने अपने पति को थप्पड़ मारा कि नहीं मारा, उनका ये हाल होता, वो नहीं देखती, स्टैंड अप नहीं देखती, ओटीटी नहीं देखती। तो कुछ लोग है कि वहां पे हो रहे हैं, टीवी पे लड़कियां बहुत कम आ रही कॉमेडी में, क्योंकि सबको हीरोइन बनना है, सबको मॉडल बनना है, सबको मेन लीड बनना है, सबको पोस्टर गर्ल बनना है, कॉमेडियन किसी को नहीं बनना, उनको लगता है कि ये फीमेल कॉमेडियन। जब मैं इस चीज में आई थी ना करीना, तो बहुत सारे रिलेटिव्स, हमारे खुद के रिलेटिव्स में, अभी मैं वो देख ही रहे होंगे, नाम नहीं बोलूंगी, बहुत क्लोज वाले रिलेटिव,
क्या भांड जैसा काम करने जा रही है, जोकर, लड़की नहीं कभी हंसा सकती, इतने मर्द कुछ गंदी बात बोल देंगे तो जवाब नहीं दे पाएगी तू, ऐसे में क्या मुझे क्यों गंदी बात, मतलब इतना मेरे को एक 17-18 साल की लड़की को इतना ज्यादा बोल दिया, मुझे लगा नहीं मुझे ये करनी है चीज। बट थैंक्स, मैं अपनी मम्मी को कहना चाहूंगी कि अगर उस औरत ने आज हिम्मत ना की होती ना करीना, मैं कभी आपके सामने नहीं बैठी होती। मेरे फादर नहीं है, जब मेरा ऑडिशन हुआ और मैं सिलेक्ट हुई तो उनको वो लगा कि ये जाके चाहे फर्स्ट एपिसोड में निकल आए लेकिन मैं अपनी बेटी को लेके जाऊंगी, उसके मन में ना रह जाए। अमेजिंग, आज मम्मी मुझे लेके आई, थैंक यू सो मच, सो प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल 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 अमेजिंग। तुम्हारी लव स्टोरी जो है ऑफ कोर्स विद हर्ष इज वेरी वेरी पॉपुलर, सब आपके फोटोज देखते हैं, आपकी रील्स देखते हैं, नाउ यू आर पेरेंट्स आल्सो, सो we are going to play a small little game, it's called Dabur Vita 7 stars of parenting. Main aapko kuch parenting ki scenarios dungi and you have to rate it, jaise ki ye 1 star situation hai, 2 star situation hai, theek hai, ya 7 star situation hai. Ooh. So you have to, so first situation, bacche ko nehlana mere liye to waqai 7 star. 7 star, you enjoy that bath time? Sach mein main matlab वैसे तो 10-15 मिनट में ही लेके जाना पड़ता है उसको, लेकिन मैं 1-1.5 घंटा लगी रहती हूँ। होली के गुब्बारे मैं सारे नल में बुला के उसके टब में डाल दिए, वो लगा रहता है, मैं भी मोबाइल पे लगी रहती हूँ, वो भी लगा रहता है। फिर जब हमको लगता कि हाँ ज्यादा ही ठंडा हो गया बच्चा, फिर हम नहला के उसको बाहर ले आते, बट मेरे लिए वो 7 स्टार वाली फीलिंग। अरे हाउ नाइस। डायपर चेंज करना? डायपर चेंज करना वैसे तो मजा आता है, मतलब 5 स्टार है, लेकिन जब आधी रात को चेंज करो तो वो 1 स्टार, मेरे को 0 स्टार लगता है वो, सच में। मैं रैश क्रीम कहाँ कहाँ लगा देती हूँ आपको पता भी नहीं करी ना। मैं थाइस तक ले आती नींद में, इतनी मतलब ऐसे होता है कि ये भी कुछ चीजें जो करनी पड़ती है, पति भी ना उठे ये वो। हम लोग एक्चुअली जैसे मैं बिंदास खुल्लम खुला बोलती हूँ कि हमारा कोई ऐसा नहीं है कि बेबी सो गया उसको उसके रूम में, हम तो जैसे यूपी बिहार की ट्रेन जाती है ना करीना, आपने कभी दरभंगा स्टेशन पे देखना, एक साथ एक पे एक लेटे होते हैं और पता नहीं चलता कौन किसकी चादर में। हम लोग ऐसे सोते ऑल टुगेदर, बिल्कुल हर्ष गोला एंड मी, और गोला ऐसे सुलाते हैं लेकिन वो 3, 6, 9, 12 पूरा घूमता है। हाँ, वो कुछ अभी भी छोटा है तो कॉट में नहीं है। बिल्कुल, आप मेरे बॉडी के पूरे फिंगरप्रिंट्स कराएंगे, इतने इतने पैर के निशान मिलेंगे बच्चे के, जो हमको रात भर कॉट में वो बच्चा सोता ही नहीं है, उठ जाता है वो बीच में फंस के सोता है एकदम। बहुत ना मेहनती मजदूर बच्चा है। तो फ्यूचर में अगर योर सन कम्स बैक एंड सेज के यू नो इट डज अ टैटू विदाउट आस्किंग, मुझे लगता है कि उस टाइम, अभी तो मैं भी ग्रो कर गई हूँ, उस टाइम और मैं ग्रो कर जाऊंगी, मुझे है कि गलत काम नहीं करना, बिंदास जो मर्जी करो, तुम्हारी बॉडी तुमको दुख रहा है नहीं दुख रहा बना लो, दुख रहा तो मत करो बेटा। तो ऐसी वाली मम्मी हूँ। हाँ नहीं, 6 स्टार, यू विल गिव इट 6 स्टार। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, आई लाइक दैट, कीपिंग अप विद द किड्स एंड देयर, जो हमेशा जो अभी सवाल जो आने वाला है, जो आप एक्सपीरियंस करने वाले, क्योंकि इन लोगों है, क्योंकि मेरे बच्चे भी वैसे कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आओ हवा है, क्यों, ये सब अभी आने वाला है आपके लिए, पता नहीं। जब आप देखोगे शूटिंग में इतना बोल के आते हैं ना, घर में मन नहीं करता बोलने का, और फैमिली चाहती है कि हम उनको बाहर पार्टी में लेके जाओ, हमारा मन होता है मालदीव जैसी जगह पे चुप जाके बैठो कि अब लाइट नहीं, कोई शोर, कोई गाना भी ना बजाओ, पर उनको मन होता है, बट वो जितने सवाल पूछेगा मैं जवाब दूंगी, और नहीं भी दूंगी तो उसके पापा है। अच्छा, सो यू वुड गिव इट अ 3-4 स्टार? मेरे तरफ से 2 स्टार। 2 स्टार ना, मैं अपने बच्चे को क्या वो बोलेगा बैंगन का भरता कैसे बनाना है तो वो नहीं बता। डोंट आस्क मी, आस्क योर फादर। बिल्कुल, जिद्दी बिहेवियर, जिद्दी बिहेवियर 3 स्टार। 3 स्टार अच्छे लगते हैं मुझे, जिद्दी। अच्छा, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा मॉल में लेटे ऐसे करके मेरी इंसल्ट हो, तो कहीं किसका बच्चा कुछ ना करो ऐसे, कौन है यार, डोंट एंबैरस, फ्लाइट में चिल्ला रहे हैं ये सब, अरे बाप रे, फ्लाइट आने वाला है बिल्कुल, शायद हाँ ऐसे जब इतना बड़ा पेट था तब भी कहते थे, अब लोग इतना डराते जब आप प्रेग्नेंट हो जाओ, आपको लगता है आपने गलती कर ली, गई लाइफ, अब देखना कहीं नहीं कुछ कर पाएगी, ऐसे लगता कि ये मैंने कोई गलती कर ली। लोग मुझे बोलते थे पार्टीज खत्म, अब नहीं, अब तो घर में देखना, पर कुछ खत्म नहीं हुआ। वैसे ही हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। या एंड इट्स फाइन, तो जिद्दी बिहेवियर यू आर गिविंग 3 स्टार। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा लेटे। प्रेगनेंसी न्यूज? प्रेगनेंसी न्यूज 6 स्टार, 7 स्टार, 7 स्टार, मैं फिर माँ बनना चाहती हूँ, मुझे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, सच में, डेफिनेटली यू शुड, 100% मैं करूंगी, मेरे को बस बेटी चाहिए, मेरे को कुछ, आपको कोई डॉक्टर है जिसके पास कोई बेटी का इंजेक्शन हो, कि बेटी ही हो, मेरे 2 बेटे हैं, मुझे कुछ पता नहीं और मुझे लड़की चाहिए, सो 6 स्टार्स,
नहीं, 7 स्टार. ओके चलो 7 स्टार, बिकॉज भारती वॉन्ट्स टू हैव अनदर बेबी. नॉन स्टॉप लाफ्टर, 7 स्टार. हाँ भारती, यू आर फैब. थैंक यू सो मच. चीयर्स. ये आपकी कॉफी है, पता नहीं ठंडी हो चुकी है, बट आइदर वे. अरे वाह. Now, अभी of course, भारती people have seen you always in comedy roles. आप हमेशा, you have become such a big star, TV star, doing, you know, making people laugh. पर कभी आपने ऐसे सोचा कि आप serious roles करोगे, मदर इंडिया टाइप, भारती इन एन एस? मुझे करने हैं, सच में मुझे करने हैं. और बोल ही देते हैं क्या, जो ओटीटी फिल्म मुझे कोई ऑफर नहीं आती. जब आती थी तब मैंने की नहीं. लोगों को अभी मैं एक तो हर चैनल पे दिखती हूँ, लोगों को लगता है ये बहुत बिजी होगी. पर पता नहीं लोगों ने क्यों, मैं महंगी नहीं हूँ. लोगों को लगता है ये बहुत महंगी है. मैं नहीं हूँ और मैं बिजी भी नहीं हूँ. आजकल बहुत फ्री हूँ मैं. मेरा मई जून में जाके शो है, तो कोई हो तो मुझे बताओ. मुझे ऐसा करना कि मैं पहले हंसाऊं लोगों को, आंसू आ जाए, बट वो आंसू पोंछने का टाइम ना मिले. देन ऐसी बात हो कि वो कंटिन्यू हो और लोगों को लगे वाह, भारती सीरियस रोल भी कर सकती है. तो मुझे वो पता है, मैं वो इच्छा है आपने. हाँ, मैं लड़ती हूँ ना घर में, जब अपने पति के, जब मैं जीतने वाली होती हूँ तब मेरा वो होता है एंड में जो जाता है ना ऊपर, कि तुम ऐसा करते हो, तो वो मैं करती हूँ. मुझे पता मैं कर सकूंगी. अच्छा, तो यू कैन डू इट. यस, हाउ स्वीट. व्हिच एक्ट्रेस अकॉर्डिंग टू यू हैज डन ऑल दैट शी कैन डू, अचीव्ड एवरीथिंग, एंड व्हिच ट्रेट ऑफ हर इंस्पायर्स यू द मोस्ट? मैं सच्ची बोलूं, मैं जब आपको देखती थी, नेहा धूपिया जी को देखती थी, मुझे लगता था कि यस, ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं. मैं आप लोगों, ऐसा नहीं कि मैं आपके शो में आई हूँ, और मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि कोई मेरे शो पे आए तो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ या मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ. हर्ष मुझे बोलते थे, मैं बोलती थी मैं काम कर सकूंगी प्रेग्नेंट होकर. तो उन्होंने बोला, हर्ष ने बोला, नेहा धूपिया को देख, करीना कपूर देख, कैसे काम करती थी प्राउड के साथ, तुझे भी ऐसे करना. और मैंने देखा ये सिर्फ मेंटली है. अगर आप यहाँ से स्ट्रांग हो ना, तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका. एब्सोल्युटली, बल्कि और होता है वो स्ट्रेंथ और बढ़ती है. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन उस टाइम पे जब आप काम करते हो, तैयार होके जाते हो, तो लोग ट्रोल भी बहुत करते हैं. मैं रोई भी बहुत हूँ. बट ट्रोल से क्या है, वी हैव टू रन अवे फ्रॉम दैट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड. बट मुझे ऐसा लगता था करीना कि मैं ना एक फनी लड़की हूँ, मुझे हमेशा लोग प्यार ही करते हैं, मेरी बातों पे हंसते हैं, लेकिन नफरत भी करते हैं. कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने, मैं उनके, क्योंकि मैं फ्री थी घर में, मैंने तब कमेंट्स पढ़े, मुझे लगा कि अच्छा, लोग ऐसे वाले भी हैं. मोटी कहीं की शर्म नहीं आती, 12वें दिन काम कर रही है, तेरा बच्चा भूखा है, तुझे बच्चा ही क्यों पैदा किया तूने, इतना बोला मुझे. क्यों 12th डे पे यू वर शूटिंग? मेरा सी सेक्शन था, बट मेरे को लगा मैं ठीक हूँ, मेरी कमिटमेंट है, मैं जा सकती हूँ. क्योंकि उन्होंने बोला आप कर सकते हो आप, मैंने बोला हाँ मैं कर सकती हूँ. आप मान नहीं सकते, मैंने सोचा था कि मैं एक गांव के तरह अपने बच्चे को, जैसे गांव वालियां मजदूर औरतें ईंट रेती बिल्डिंग में काम करती, इतना बड़ा टेंट लेके, मैंने बोला मैं भी करूंगी, मेरे में कोई अलग अंग नहीं लगा. मैंने सच में किया और सिर्फ मेंटली खेल है. और मैं लोगों को भी बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, बड़ी अच्छी हैप्पीनेस है, एंजॉय करो इसको, फील करो. आप जो हिल रहा है आप ही फील कर सकते, आपका पति भी नहीं कर सकता. वो मैंने फील किया और मैं माँ बन के बहुत खुश हूँ. और आपने और नेहा जी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया. सो स्वीट. बट आपने जो अभी कहा, दैट इज इंस्पायरिंग, जो अभी आपको सुन रहे देख रहे, दैट इज आई थिंक इंस्पायरिंग अस ऑल द यंग गर्ल्स हु एस्पायर टू वर्क एंड बी. बिल्कुल. लोग पहले महीने से घर बैठ जाती है, बीमारी नहीं है, पैर ऊपर करके, हाँ तकिया ये सूप दे दो, 5 बादाम, 3 अखरोट. मैंने बोला पैर नीचे, कोई तकिया ऊपर नहीं, काम करना है. मैंने देखा है कि आप हाई सोसाइटी के जो लोग हैं उस पे ज्यादा जोक्स करती है. एनी पर्टिकुलर रीजन? मैं शोज करती हूँ ना, मैंने देखा है कितनी कितनी देर एक एक ही चेरी लेके कितनी बातें कर देते हैं. एक ही चेरी लेके ऐसी वाली, मैं तो थकी जाऊं, मेरे से हो ही ना. मैं एक दो बार ऐसी पार्टीज में गई, आपने, आप सोशल मीडिया अगर देखती है, मुझे कभी आपने होली की पार्टी में या गीले बालों में कभी नाचते नहीं देखा. या फिर एक जगह पे सब लोग निकलते, पता नहीं वो कौन सा रेस्टोरेंट है, ब्लू दरवाजा, मैं आज तक नहीं वहां पे गई. और वो अंदर क्या है उसके मुझे ये भी नहीं पता. और वहां पे सब होते हैं और हाय ऐसे, मुझे आप कभी नहीं देखोगे. आप मुझे बोलोगे भारती मिलना, मैं बोलूंगी घर आओ, मैं आपके लिए गोभी पराठा, मेथी पराठा, मैं चने बनाती हूँ, राजमा. मैं, मेरे सारे फ्रेंड्स घर आते हैं और मैंने पूरा जूड़ा बांधा होता है, पजामा पूरा, पता नहीं चलता आपको कि उसमें से हाउस हेल्प कौन है और भारती कौन है. मैं खुद नीचे बैठ के आता भूलती अपने दोस्तों के लिए घर का घी सब. मैं एक बड़ी हाई सोसाइटी के बारे में आपको इतना क्या फनी लगता है कि वो, मैंने आपसे भी पूछना, आप तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज में जाती है. नहीं, मैं भी पार्टीज में नहीं, मुझे
इतनी देर पकड़ के टूथपिक में वो जो चेरी ऐसे करके खड़े होके आया, वो जो ग्लास पकड़ के ऐसे कितनी देर, एक में तो हम तो पंजाबी तीन चार लगाओ फिर हाँ जी फिर हमको बात समझ आती है। यू नो फैशन वीक में गए थे ना, यू नो ड्रेस देखा हमारा तो होता ही ना, हम तो चुगली कर, मेरी सास ने ऐसा कह दिया, हमारे दूध वाले ने, भाई ने, हमारी ये होती है और बाकी लोगों की तो दूसरी वाली होती है। तो मुझे वो बड़ा मजा आता है, हाई सोसाइटी में कहीं आपकी पार्टी हो तो मुझे बुलाना, मैं सिर्फ मास्क पहन के दूर से देखूंगी। नहीं मैं भी जूड़ा लगा के, मुझे भी घर पर बैठना, काफ्तान में बैठी है हम लोग सब बैठ के, पैर ऊपर करके, पैर ऊपर करके चिल कर रहे, राजमा चावल, सच में चिकन, मतलब ऐसे ऐसे ना खाए, ऐसे खाए प्याज वाला, ऐसे वाला कर रहे हैं। है ना, हाँ ये अभी शो के बाद बात करते हैं, क्योंकि अभी कहाँ है, वी कांट टेक देयर नेम्स ना। बट यू नो यू ऑलवेज टॉक अबाउट भारती के, यू लव फूड, फिर आपने इतना वेट लूज किया, तो हाउ डू यू बैलेंस, लाइक कीप दिस बैलेंस बिटवीन यू नो टेस्ट एंड गुड हेल्थ? बिल्कुल, जब मुझे लोग मोटी मोटी कहते थे तो मैंने जब से होश संभाला, अपने फोटो मोटे देखे, वीडियो मोटे देखे, तो मुझे लगा कि मैं तो ऐसे ही पैदा हुई हूँ, मैं ऐसे नहीं कि पहले बहुत फिट थी कॉलेज में खा खा के हुई, नहीं मैं शुरू से मोटी बच्ची थी, मैं 5-5.5 किलो की पैदा हुई थी। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना फाड़, मैं माँ का पेट फाड़ कर आई थी, मैं जिस हॉस्पिटल पे पैदा हुई मुझे वहां पे प्राइज मिला, मैं सबसे मोटी बच्ची थी, फिर जिस स्कूल में गई वहां पे उन्होंने मेरा वेट किया, वो तराजू होता है कि इधर बच्चा बिठाते जितना वेट उतनी बुक्स, मैं सबसे ज्यादा बुक्स घर में लेकर आई, फिर मैं टीवी पे आई तो मैंने, मुझे लगा कि ये मोटापे का मजाक उड़ा रहे, इसको प्लस पॉइंट बना लो, अपने आप को कहना शुरू कर दो कि मुझे ये प्रॉब्लम होती है, अरे मेरे को लोग आपको एक रोटी देते हैं, मेरे को तीन रोटी देते हैं, मतलब आई लव फूड, मुझे कोई बोलोगे कि 15 दिन पति से दूर रहना के फूड से, तो मैं बोलूंगी पति से, मेरे काफी वेट लूज किया है, पता नहीं मैंने नहीं किया, नहीं किया, बच्चा हुआ तो हो गया, हाँ बच्चा ही फैट लेके निकला बाहर, मुझे ऐसे लग रहा है कि आफ्टर डिलीवरी आप और भी पतले हो गए। अच्छा, पर आज भी मेरे से ऐसे नहीं बैठा जाता ऐसे, ये दिस इज द हाई सोसाइटी, ये अब देखो नस पे चढ़नी शुरू हो गई इधर, नो ये अपना यही ठीक है थोड़ा। सो नाउ यू आर मेंटेनिंग टेस्ट एंड हेल्थ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हेल्थ रखती हूँ, घर की चीजें खाती हूँ, बाहर का बहुत कम खाती हूँ, घर के राजमा चावल पराठे खाती हूँ, लेकिन मेरा घी पंजाब से आता है, हमारा आटा खुद पिसवाती हूँ, सब्जी अलग जगह से, वो वाली मैं वो वाली माँ हूँ जो खाते खाते बच्चे को भी प्लेट्स में से दे सकती, ऐसे नहीं दीदी इसको मत दो ये चीज है, नहीं वो बिना सॉल्ट वाली खिचड़ी, नहीं नहीं नहीं, हमारा बच्चा पूरा ट्रक ड्राइवर बनेगा बड़ा होकर, पूरे चिकन मटन खाएगा, एंजॉय करेगा। ओह गॉड, ऑडियंस आई थिंक आपको you know TV पर देख कर, they know how you are, आपकी personality है, आप सबको हंसाती है, that life, but they don't know a lot about your personal life and your के खास करके तुम्हारे दोस्तों के बारे में, जैसे आपने कहा कि दोस्त बैठ के आप लोग बैठ के गप्पे शप्पे खाना खाते हो, तो I'm going to play this game called Who's That One Nut? Okay, okay, so आपके जो friend circle में जो है, the one nut who is a fitness freak, Puneet. पुनीत, हु इज पुनीत? पुनीत जे पाठक, वो एक कोरियोग्राफर है और टीवी पे भी आते हैं। अच्छा, तो वो बहुत ज्यादा कुछ भी बना लो उसके सामने, कुछ भी रख दो, बट अगर उसने मान लिया है तो पराठे या कुछ भी रख दो मैं अपने हाथों से, मैं वो नहीं खाएगा, नहीं खाएगा पुनीत। ओके, दैट वन नट हु इज ऑलवेज ऑन इंस्टाग्राम, मैं तो होती हूँ जैस्मिन। अच्छा, She's also from TV. हमेशा, हाँ, वो भी टीवी बिग बॉस में आई है। अच्छा। बहुत अच्छा नाम कमाया उन्होंने। ओके। वो हमेशा ही, मतलब सुबह उठते सारी उनकी फोटो, सन किस्ड मी ऐसे वाली, ट्रैफिक ये वो सब बहुत डाला होता, तो जैस्मिन से हमें पता चल जाता है कि क्या चल रहा है इंस्टा पे। ओह लवली, द वन नॉट हु ऑलवेज कैरी समथिंग हेल्थी इन देयर बैग, हर्ष मेरा पति, मैं उसको दोस्ती मानती हूँ हमेशा, जो कि मैं ही रखती हूँ क्योंकि वो थोड़ा मेरे टाइप का नहीं है, थोड़ा वो गुजराती है, पर मैंने बना दिया उसको पंजाबी, बस उसको है कि कुछ हेल्दी चीज उसके बैग में होनी चाहिए। ओके, द वन नॉट हु ऑलवेज पार्टीज, अली गोरी मेरा फ्रेंड, वो हमेशा पार्टीज में होता है, अभी भी मैड्रिड से आया मैच देख के वापिस फिर पार्टी में चला गया, वो वापिस फिर पार्टी में, हाय व्हाट अ नाइस लाइफ ना, देखो ना, अरे सो गुड लवली, सो नाउ यू हैव अ लवली नटी हैम्पर भारती, मैंने इट्स इट्स के आप अपने पार्टीज में जरूर सर्व करना। ओह गॉड, ये जितने नटीज हैं उनको ही दूंगी मैं, और ये काफी महंगा लग रहा है, ये सिर्फ मेरे पास ही जाएगा, उनके लिए मैं दूसरा ले आऊंगी। थैंक यू सो मच यार, अरे नहीं प्लीज, आपको कुछ quick questions पूछूंगी and you have to answer them honestly. मैं ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा, and you are always honest, I know that. Put these comedians in order of talent.
कपिल शर्मा, कृष्णा अभिषेक, सुगंधा मिश्रा एंड अली असगर. मैं रखूंगी नंबर वन पे कपिल शर्मा, दूसरे को अपने आप पे, तीसरे पे कृष्णा को, फिर अली असगर, फिर सुगंधा को, क्योंकि मैंने उनके साथ इतना काम नहीं किया, मुझे पता नहीं, बट मैंने इनके साथ काम किया है तो मुझे पता है कपिल भाई के साथ काम करना मतलब आप उनकी आंखों में देख लो कि आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, वो कब क्या बोल देते हैं. और ये जो मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, कृष्णा सेम मेरे बारे में बोलता है कि भारती आप परफॉर्म जब आपके करो ना आप पागल हो जाते हो, आपको ऐसा हो जाता है आप समझ नहीं आते, आप ब्लेस्ड हो ये वो. तो मुझे लगता है कि अगर लड़कियों में देखा जाए तो दूसरे नंबर में मैं, और तीसरे नंबर पे कृष्णा, चौथे पे वो लोग, और पांचवे पे फिर वो दूसरे लोग. Lovely, I love this. Put these comedians in order of their writing skills. Kiku Sharda, Sanket Bhosle, Jamie Lever. Actually, मैंने जेमी के साथ और संकेत के साथ काम नहीं किया था, मुझे इनका पता नहीं. But writing के मामले में अगर मैं देखा जाऊं तो कपिल शर्मा, क्योंकि मैंने उनको लिखते हुए देखा. उनकी स्क्रिप्ट कोई राइटर नहीं लिख सकता, राइटर एक फ्रेम बना के दे सकता है, लेकिन कपिल शर्मा को पता उस फ्रेम में क्या फिट करना है. तो जब स्क्रिप्ट, जैसे करीना कपूर आ रही है अपनी फिल्म के लिए, अगर स्क्रिप्ट बनी राइटर ने सुनाई तो वो सुनते रहेंगे, उनके घर में महफिल होती है, फिर वो चले जाते हैं, फिर वो लैपटॉप पकड़ते हैं, फिर वो करते हैं. कहते जब तक आप चीज बना के नहीं प्रेजेंट करोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. मैं भी राइटर, जब मुझे कोई लिख के देता है तो मेरे को अगर नहीं जमता और वो बोलते हैं ना कि ये स्पॉन्सर ने कहा है, बोलनी लाइन इनका, तो लग जाता है कि नकली बोल रही है. मेरे को होता कि मेरे को मेरे वे पे बोलने दो. ऑफ कोर्स, कभी कभी होता है ना कि नट्स आपने ऐसे ही पकड़ाने हैं कि वो खजूर दिखना चाहिए मैम, है ना, कभी टेढ़ा हो जाए तो पता ही है वो दे रहे हैं. तो यहाँ यहाँ कभी जब अड़ जाते हैं तो मेरे को प्रॉब्लम होती है, लेकिन कपिल भाई नंबर वन पे. सेकंड पे मुझे लगता है संकेत, क्योंकि वो लिखते भी है. थर्ड पे कीकू शारदा, और फोर्थ पे कौन थे, जेमी लीवर. जेमी के साथ सॉरी मैंने काम नहीं किया, बट जेमी को मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ, लड़की ऑलराउंडर है यार, वो नाच भी लेती है, मिमिक्री भी कर लेती है, गा भी लेती है, और स्टाइल से ऐसे करके फोटो भी खिंचा लेती है, जो मैं फोटोग्राफर को मेरा बड़ा दिल करता, मैं आप लोग के फोटो देखती हूँ ना, फिटनेस वाले गीले बाल, ग्लॉसी लिप्स, मेरा बड़ा दिल करता कि मैं भी रेत पे ऐसे करूं, और फोटोग्राफर बोले यस यस यस, होल्ड होल्ड होल्ड, ऐसे थोड़ा मुंह खोलो, होता नहीं आजकल खोलते भी ना थोड़ा से, मतलब झुके ना यार, मतलब कैसे करूं मैं, मैंने फोटो सेशन करवाना एक. अरे यू हैव टू, अभी तो यू लॉस सो मच वेट, लुकिंग सो गुड यार भारती. पर वो रेत रूत वाला ऐसे थोड़ी रेत लगी हुई थोड़ा सा संकिस्ट. हाँ हाँ, कौन सा सर, वो संकिस्ट लुक, ब्रॉन्ज वाला. अभी संकेत का नाम लिया तो संकिस्ट मिस हो गया. मैं करूंगी एक दिन फोटो सेशन ऐसा करूंगी और मैं आपको जरूर भेजूंगी 100%. आई हैव टू सी इट. ट्रू और फॉल्स, कॉमेडी ऑनलाइन इज फनियर देन कॉमेडी ऑन टीवी? मुझे टीवी पे कॉमेडी ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मैं शुरू से टीवी से जुड़ी हूँ और टीवी पे करती हूँ. ऑनलाइन कॉमेडी मैंने कम देखी है, क्योंकि मैं ओटीटी थोड़ा कम देखती हूँ, जब से बच्चा हुआ है. बच्चे को ही देखती हूँ, बच्चे को ओटीटी मतलब नहीं, बच्चे की ही ओटीटी देखते हैं. मतलब कोई नहीं, मुझे कोई बोले कि आपने नेटफ्लिक्स पे वो सीरीज देखी, ओ गॉड यार तीसरा सीजन मैंने देख लिया. मैं अभी बात कर रही थी, मुझे मैं कभी ऐसी ऐसी वाली वो जो बाकी शो देख रहे हो शामिल नहीं होती, जो समझदार कभी, ये मेरा ही ग्रुप बैठता है ना Amazon पे, वो सीरीज देखी, गॉड इट वाज बैड. मैं चुप्पी होती है ऐसे. देखो होता है, मैंने बिग बॉस देखा, क्योंकि मैं अभी नहीं जुड़ी इतना. मैं जो सीधी हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं शो पे बैठी हूँ मैं बोलूँ यार नेटफ्लिक्स में काफी देखती हूँ, Amazon मैं नहीं देखती. हिस्टेरिकल यार. मिमिक्री इज द लीस्ट स्किल्ड फॉर्म ऑफ कॉमेडी? क्योंकि मैं मिमिक्री वाली नहीं हूँ, मुझे इसीलिए नहीं पता, बट मुझे जो लोग करते हैं बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगता है देखने. अच्छा, कभी आपको लगता है कि आपके सामने किसी ने मिमिक्री की आपकी और आपको लगा हाँ यार मेरी आवाज है? आई थिंक दैट मैंने अभी वो जेमी लीवर का देखा था, पेरेंटिंग मदर्स के बारे में वो बात कर रही है हर हीरोइन के टोन में. आई रियली एंजॉयड दैट. अरे वाह. सो मिमिक्री फॉर यू, दैट इज ट्रू और फॉल्स, इज द लीस्ट स्किल्ड फॉर्म ऑफ कॉमेडी? फॉल्स. फॉल्स. कपिल शर्मा एंड सुनील ग्रोवर आर द बेस्ट कॉमिक जोड़ी, ये ट्रू है या फॉल्स है? नहीं, ट्रू है. ट्रू है. ट्रू है. या एंड आई आल्सो अग्री विद दैट. थैंक यू. एंड अगर पेरेंटिंग की नई परंपरा देखी जाए तो ऑफ कोर्स द वे पीपल, द वे पेरेंट्स आर नाउ केयरिंग फॉर देयर बेबी स्किन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बिफोर. जी जी. सो हाउ डू यू लुक, सिंस आपका जो बेटा है वो लाइक 10 months का है, सो हाउ आर यू लुकिंग आफ्टर हिज सेंसिटिव स्किन? मुझे अक्सर लोग बोलते रहते, लोगों को लगता है शायद ये शूटिंग में बिजी रहती तो बच्चे को अच्छे से मॉइस्चराइजर नहीं लगाती. मेरे बेबी की गालें, और मुझे लोग कमेंट्स करते हैं कि वो बहुत छोटा है आप उसको ब्लशर मत करो. भैया मैं ऐसे थोड़ी करती हूँ बेटा, ले
पता नहीं क्यों उसकी गाले लाल है। अच्छा है। हाँ, मुझे स्किन का उसका बहुत ज्यादा ध्यान है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट स्किन होती है, तो मोस्टली बेबी प्रोडक्ट अच्छे वाले उसके लिए यूज करती हूँ। मैं बहुत थैंक यू, बहुत केयर करती हूँ बिकॉज नाउ आई एम गोना गिव यू products that I only endorse, Cetaphil baby, इनको please try करें because I use them for my babies also. मैं एक बात बोलूं, मैंने इसका जो lotion है वो use कर लिया और mind blowing है वो। मैं कब से देख रही थी hamper पड़ा हुआ, दे ही नहीं रहे। दे ही नहीं रहे। Thank you. भारती, you know it is such an honor because मुझे पता है कि लोग मुझे बोलते हैं that you're very good, your comic timing is very good, but I always say that comedy is the toughest thing to do. And आपने हमेशा से लोगों को हंसाया, you have become such a big celebrity, a thank household you, name, where people, they look at you and जैसे आपने कहा कि लोग आपको देखते हैं और हंसते हैं. And in life, you know, when you can give that to someone, I think you will be always blessed. Awesome. And it has been an absolute honor having you on my show. Thank you, thank you. Yeah. मेरे लिए बहुत अच्छी बात है यार कि मैं आज आपके शो में आई हूँ. आपको पता है सुबह से मैं स्किन देखी जाऊँ मैं क्योंकि मैंने आपका फोटो पहले ही सोशल मीडिया पे देख लिया था. अरे कि अच्छा कैसे लग रही है, क्या हो रहा है, ब्लैक पहन है, मैं क्या मुझे अपने कपड़े अजीब से पर्दे लगे क्योंकि जब आप नर्वस होते हो ना, मैंने आपको दो तीन बार मिरर में देखे, मैं क्या ब्लैक पहने, मैं ये मेरा पर्दा नहीं लग रहा, मैं क्या करूं ये पर्दा, पर इधर आके तो यार मजा ही आ गया मेरे को. But you get to ask me a question. अच्छा, one question only. ठीक है. आप, मैंने देखा कि फिटनेस में आपके बहुत सारे वीडियोस भी देखे, आप सच में सैलेड वाली है या राजमा चावल वाली? I am coming to your house because जो आपने कहा कि जूड़ा बांध के जो आप राजमा बनाने वाली हो ना, कभी भी यशराज शूट कर रहे हो, एक फोन करो भाभी के लिए, भाभी भारती भाभी, वेज नॉन वेज एवरीथिंग. Thank you so much for coming on my show. Oh, sweet. Thank you. And this short and sweet show of ours. Thank you so much. Yeah. That's all for today on Dabur Vita, What Women Want, the complete health drink for 7 vital growth needs. See you next time. To watch more episodes of What Women Want, click here.